बोर होती है इसलिए हम ऐसी डिस्कशन में पड़ जाते हैं। हाँ, पढ़ पढ़ लेते हैं। अब ये जो है ये जो प्रेडिक्शन है, अब प्रेडिक्शन करने के लिए वी हैव टू लुक डाउन, ऊपर नहीं देखना, ऊपर क्यों नहीं देखना, हॉरोस्कोप देखने के लिए हॉरोस्कोप मत देखें क्या? देखने के लिए हॉरोस्कोप मत। अब हमने यही कौन किसी को देख रहा है, कौन किसी को नहीं देख रहा है, कुछ नहीं, और एनालाइजिंग हॉरोस्कोप नॉट सीरियस। अब क्या होता है, ये दशा चलती है ना भाई, तो अब मैनेजेबल एज में भी कोई ना कोई दशा चल रही होगी, ठीक है, तो वो हमें देखनी पड़ती है इस समय कोशिश। तो फिर हमें देखना है कि इस समय पे जो चल रही है whether that is positive or not, ठीक है ना। अगर वो पॉजिटिव है तो उस दशा में शादी हो जाएगी, फिर हम भुक्ति देखेंगे, फिर हम अंतर, ठीक है ना। इसको देखने से पहले हम यूं कर लेते हैं, सारे ब्लड देख लेते हैं कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है, खुद खुद ही देख लेंगे उस समय में कौन से, ठीक है। अब ये देखना है कि कौन सा ब्लैंड किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव है, कौन सा किसी चीज़ का नेगेटिव है, तो हमारा रूल लगेगा सब लॉर्ड नक्षत्र प्लैनेट वाला रूल नंबर 4, ठीक है। और दशा बुक के अंदर से हम उसको टाइप करते हैं, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि होगा कब होगा, यही सवाल है ना। तो कौन से चैनल देख के बनानी है, कलर्स, ठीक है। तो अगर कलर ग्रीन है तो शादी हो जाएगी, और कलर रेड है तो शादी नहीं होगी। एक कलर्स देखती हैं, दूसरा वेरी पूरा वीडियो देख के आया। तो फर्स्ट वी हैव टू सी दी प्लैनेट, देन नक्षत्र, देन दी सब, ठीक है। प्लैनेट में एक रेड एक ग्रीन, तो इट मीन्स 50-50, इट इज पॉसिबल। नक्षत्र क्या है, पॉजिटिव, सब लॉर्ड क्या पॉजिटिव, दैट मीन्स केतु इज पॉजिटिव, ठीक है। वीनस क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ओके। सन पॉजिटिव, मून राहु पॉजिटिव। जिसको नहीं समझ आ रहा है चुप करके बैठना, प्लीज वो आस्क, ये नहीं कि बाकी उनके समझ में आ गया तो आपको नहीं आया तो आप चुप कर जाओ, ठीक है। इसमें क्या, एक नेगेटिव है दो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है दो पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव। मार्क्स का क्या, ये पॉजिटिव है, आप भी समझ लो ये पावर 1, ये 2, ये 3, मर्करी में नेगेटिव, न्यूट्रल एक नेगेटिव दो पॉजिटिव, लेकिन ये मर्करी इनसे कमजोर है, कमजोर हो गया ना। ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, बराबर विचार फॉर पर्टिकुलर इवेंट, फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, इसमें पर्टिकुलर इवेंट के लिए होगा। क्यों, जो आदमी बहुत पैसा कमाएगा जरूरी नहीं है उसकी हेल्थ अच्छी हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो जरूरी नहीं, वो मैरिड लाइफ अच्छी हो, पैसा ज़्यादा कमाए इसकी हेल्थ अच्छी जरूरी नहीं, वो एजुकेशन अच्छी हो, ठीक है ना। शनि में क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हो गया लेकिन थोड़ी जद्दोजहद। जुपिटर क्या होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, ये बहुत बड़ा डाउटफुल केस, ठीक है। अब रह गया मून, ये पॉजिटिव,
ये नेगेटिव, ये 50 नेगेटिव ही होगा, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा, कौन कौन से पॉजिटिव हो गए, यू कैन राइट डाउन विच आर पॉजिटिव। केतु, राहु, सन, मरकरी, शनि नेगेटिव हो गए, जुपिटर, मून, वीनस, मार्स, ठीक है। अब पीरियड चल रहा है शनि जुपिटर, 25 साल के बाद शनि जुपिटर पीरियड कर रहा है, तो मैरिज होगी कि नहीं होगी, तो न्यूट्रल सा ग्रह था, जुपिटर बहुत नेगेटिव था तो नहीं होगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब नहीं। फिर आ गया हमारा मरकरी, 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 केतु, है ना, केतु इज मोर पॉजिटिव। मरकरी तो अगर सिंगल है तो ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग, मरकरी मरकरी केतु में हो जाएगी, ठीक है। तो मरकरी मरकरी के थ्रू में बात पक्की हो जाएगी, शादी आ गए, मॉडर्न पीरियड हो जाएगी, ठीक है। तो बात पक्की होना है नेचुरल इवेंट, और बाकी डिपेंड करता है कि लड़की, लड़का, लड़के की बहन अमेरिका रहती है, जब तक नहीं आएगी नहीं कराएंगे जी, बच्चों का एग्जाम है जी, वो हो गया जी, चमासा पाएगा जी, ठीक है ना, मलमास हो गया जी, शराब चल रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड कर जाएगा। जो जो पंजाब में डेटे लिखेंगे पंडित जी के पास जाएंगे, उनको रद्द करवा लेंगे, बट आगे फॉलोइंग पीरियड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब इसके अंदर जस्ट फॉर मैरिज वीनस इज अ नेचुरल सिग्निफिकेंट फॉर मैरिज, तो वीनस जो है विल बी कंसिडर्ड ऑलवेज एज पॉजिटिव अनलेस एंटिल इट शोज ऑल द थ्री हाउसेज ऑफ all the three houses of divorce, ये नो में वन सिस्टम, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ठीक है, जस्ट फॉर यू। दैट मीन वीनस भी यहाँ से हटके यहाँ आ गया, तो इसका जैसे हो गया मरकरी मरकरी केतु, मरकरी मरकरी वीनस, मरकरी मरकरी सन, तो भी अगर लॉन्ग पीरियड में इसका मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मैरिज हो ही जाएगी। तीनों चीजें हो, 2, 7, 11 तीन हो जैसे ना, केतु के शुक्र इसमें कम्प्लीट 2, 7, 11 इसमें तो 7 नहीं है, तो अगर केतु 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 भी आएगा तो भी नहीं हो सकता। ये फिक्स रूल है कि मेजर इवेंट जब स्टार्टिंग ऑफ द दशा आएगी ऐसे दशा भूख के अंदर इसमें सेम इवेंट नहीं होगा। मेजर इवेंट का मतलब क्या है, जैसे मैरिज, इसमें नारायण दत्त तिवारी का कोई वो जिक्र नहीं है, क्योंकि तो उसकी तो रूटीन है मैरिज, मतलब रूटीन नहीं मतलब एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल केस नहीं, उसके लिए आम बात है शादी में, इधर कर ली बेंगलोर गए, उधर कर ली प्लेटफॉर्म पर, उधर हैदराबाद वहाँ कर ली, फिर 4 बच्चे वहाँ निकल आए, बोले अच्छे यहाँ भी थे, चलो यहाँ भी कर ली, तो जो करते रहते हैं 5-6 शादियाँ होती है तो 7वीं भी हो गई। अब अगर मैं अमेरिका नहीं गया तो ट्रैवलिंग फॉर मी गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू USA इज अ बिग इवेंट, बट इफ आई हैव गॉन 7-8 times देन इवन केतु 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 विल डू वीनस 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 विल डू, मेरे लिए इवेंट नॉर्मल इम्पॉर्टेंट कितना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक पार्टी, दूसरा आपकी पार्टी का दशा भुक्ति अंतर तीनों मिला के 2, 7, 11 होना चाहिए, ये आपके इस पार्टी का जब 2, 11 आ गया या केतु में 2, 7 तीनों मिला के 7 इधर 2 होता, मरकरी केतु की भुक्ति होती है और अंतरा मास होता, 2 इसमें होता, 7 इसमें होता, 11 उसमें, तब जाके करते कम तीनों होने चाहिए, या वीनस अकेला आ जाए Venus के पेट के अंदर 2 साल 11 Venus के पेट, लड़के के लिए भी नेचुरल सिग्निफिकेटर Venus है, लड़की के लिए भी Venus, जब Venus आ जाए
अगर वो पूरा 160 नहीं बोलता आप तो पूरा 160 नहीं बोलता तो वो क्या है ये पब्लिक। अब मैं दो तीन एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी बन जाएगा। लोग आप बोल रहे थे वो न्यूट्रल वाला आप पूछ रहे थे पहले आप पूछ रहे थे वो भी क्लियर करते हैं लोगों के लिए भी बोला था क्या सर मेट्रो सिग्निफिकेशन मेट्रो सिग्निफिकेशन नहीं राउंड राउंड वो कुछ ऐसा है कि जैसे ना जो ज्योतिष पढ़ाने वाले लोग हैं ना वो अपने आप को बड़े सात्विक समझते हैं जैसे मैं तो उनको ये भावना दिल में होने जाती है कि वो हमारा फैमिली स्वेटिंग की फैमिली चंद्रम ने लगा लिया सवेरे मंदिर में लड़की लगा ली तो मैं तो कैसा तो राहु जो है वो सेक्स का कारक होगा जो क्योंकि राहु जो है वो असुर है तो जो ये जो काम जो है ना सेक्स वाला काम गलत है अभी उस पर डिपेंड करता है बंदे की नॉलेज। फूल क्या है व्हाट इज फ्लावर इट इज सेक्स ऑफ ए प्लांट। फूल को चढ़ा रहे हैं किसको चढ़ा रहे हैं भगवान को चढ़ा रहे हैं। शिवलिंग क्या है योनि एंड लिंग तो उसकी पूजा कर तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सेक्स कैसे आप पैदा हुए थे। अगर उसी चीज को हम गलत मानने लगते हैं तो उत्पत्ति खत्म हो जाएगी। शास्त्र क्या कह रहा है ये भी पूछ रही है तभी शिवलिंग को पूछ रहा है ना तो फिर सेक्स कहां से गलत हो गया और ये गलत चीज कहां से हो उधर से मैनेज कराते हो अपने बच्चों की उधर कहते हैं गलत है। और जब पंडित भी पूजा कराता है तो वो दूल्हे को बोलता है इस समय तुम विष्णु स्वरूप हो और ये लक्ष्मी स्वरूप तो फिर उनको एक तो सेक्स करने के लिए कह रहे हो और उसको विष्णु और लक्ष्मी कह रहे हो फिर दिमाग में उनकी कॉन्ट्रोवर्सी दिमाग इनका जैसा भी है ऐसे ही शायद इसलिए राहु को बोला है तू शादी कर लो इट इज अट्रैक्शन ओनली देन यू डू सेक्स इज आल्सो एन अट्रैक्शन ओनली देन यू डू। सर जैसे वीनस नेचुरल सिग्निफिकेटर है तो वैसे हर एक प्लेनेट हर चीज को सिग्निफाई करता है जैसे केतु किस चीज को करेगा केतु को हमने भी डिस्कस किया था इंसेक्ट्स एग्स जैसे वो लेप्रोसी टेढ़ी मेढ़ी चीजें धुआं जैसे वो जैसे मैरिज प्रोसेस की बात करें जैसे मैरिज हो गया या बिजनेस हो गया या ये तो सर सन के लिए भी यूज करते हैं ना सर सिग्निफिकेंस है इसका कुछ लाइक जैसे वीनस तो शादी के लिए हां सब के लिए और जुपिटर जुपिटर चाइल्ड बर्थ का राहु केतु शनि लीगल प्रॉब्लम्स के हां किस तरह से वो सब के करते केतु भी लीगल 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 प्रॉब्लम्स के लिए इलीगल चीजों का है क्योंकि वो तो हमने बात बता ही दिया कि क्या इस चीज का हो गया अंडरवर्ल्ड इलीगल चीजों का हो गया बात यही की थी। वो सर ये मोक्ष का भी तो हो गया ना सर अलग से अलग अलग रहना इसको पता है ना मोक्ष है भी नहीं नहीं चलो ना सही से तो मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा क्या सवाल हां सर नहीं अगली सर वो ये जन्म का देख ले यार अलग नहीं सर वो नहीं है वो आदमी जिस ऐसे जिसकी केतु की आती वो अपने आप को शायद माइंड में अलग थलग फील करता होगा अलग थोड़ा सा कि दुनिया में हो पर दुनिया में नहीं हो। मैडम जी केतु में शादी हुई थी सर शादी तो केतु में हो जाती है सर केतु बैक एक का भी है सर बैक होती है जी केतु में शादी हुई थी 7 साल तो मतलब आप पूछो नहीं इट वाज वेरी नाइस पीरियड मुझको कोई अलग तरह होने की कभी फीलिंग नहीं कट्टे-कट्टे करने की फीलिंग आ रही है। अब वीनस किया तो अलग तरह की फीलिंग आ रही है। आपने पत्री देखनी नहीं तो आप समझते हो अलग तरह का मतलब क्या है डिवोर्स मतलब 1610 केतु में करा लो शनि में करा लो मरकरी में करा लो जहाँ 1610 वो करा देगा जैसे हमारी आत्मा है ये परमात्मा में लीन हो जाए बस ऐसा माना जाता है। नहीं उतना नहीं यार प्रैक्टिकल इवेंट से इसका कोई यार कह नहीं सकते ना मैं अगर कह दूं कि
अब इस तरह पिछले जन्म को भी जोड़ सकता हूँ, कहने को तो कहता हूँ बट उसको हम प्रूव नहीं कर सकते ना जी। अब तो पूछो पिछले जन्म में गया, मैं बोल दूँ तेरे को तुम राजा पटियाला था, इनको भी अलग से यही बोल दो बताना मैं सभी को सभी को खुश रखूंगा सभी धन्यवाद छे जी मेरे कुछ भी बोल दो आइए तेरा लास्ट बर्थ है बोल दो बोल के जो अब मैं भी नहीं जाके देख सकता तुझे अपना तो पता ही तेरा कैसे बताओ ये तो देख सकते ना मेरी प्रॉपर्टी खरीदी थी शादी हुई ठीक है चल उस चीज पे बात करें जो हम समझ